कि मुझे एज आई एम गेटिंग ओल्डर मुझे लगता है मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा पैसा भी मेरा नहीं है, मेरा दोस्त भी मेरे नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है. इट इज़ ऑल आउट देयर, इट इज़ नॉट माइन. हाँ, इट कम्स टू मी आई विल अप्रिशिएट इट, इफ इट डजंट कम टू मी इट डजंट मैटर. मैं इस तरह हो गया. अब मुझे किसी को अप्रोच भी नहीं करते इसीलिए? नहीं, मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता किसी को, क्योंकि मुझे आदत नहीं है अप्रोच करने की. मुझे एक तो मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, मैं बहुत शर्माता हूँ इस चीज़ से. अगर कोई मुझे पसंद आ जाए मैं कभी उसको कह ही नहीं सकता जिंदगी में, जिसकी वजह से वो अगले भी कहते हैं जा भाई ये तो बात ही नहीं कर रहा जाने का. हमारा ये है ना कि प्रपोज जो है वो लड़के करते हैं, आदमी पहले बढ़ते हैं. So, ये लेकिन आपको याद प्रपोजल की सही तो बड़ी देर के बाद आती है ना. तो मतलब दोस्ती की भी इब्तिदा जो है वो आदमी ज्यादा. लेकिन आप एक चीज आप लोग भूल रहे हैं कि मैं 14 साल की उम्र से एक मशहूर आदमी इंसान बन गया था और स्टार था, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से ये लगता था कि आई नीड टू बी सर्व्ड, आई नीड पीपल हैव टू कम टू मी, दे हैव टू अप्रोच मी. ये एक साइकी होती है, एक आप जब एक छोटी उम्र में एक स्टार बने yes. तो आपको आदत पड़ जाती है कि लोग आपको केटर करते हैं. आपको वो आदत थी कि कोई आके आपको कहे कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, थैंक यू वेरी मच, शादी कर ले, है ना. एग्जैक्टली ये चीज तो वो किसी ने मुंह ना लगाया उसने. ऐसे नेगेटिव बात नहीं करे इसकी, क्योंकि इंशाल्लाह इस इंटरव्यू के बाद जो है वो अब आपके पास ऑप्शंस आएंगे. नहीं नहीं जरूर, मैं तो बल्कि आप तो शाये हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शाये नहीं होते, और जो शाये नहीं है. अच्छा, मैंने आजकल देखे वैसे जो यंगर लॉट है वो तो बिल्कुल शाये नहीं है. द यंग जनरेशन इज एट ऑल, हम तो बड़े शर्मीले बच्चे. आप लोग तो देर लगाते थे, वो लोग तो देर नहीं लगाते, उनका टाइम नहीं जाया करते. इट्स वेरी गुड एक्चुअली. मैं तो देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार काश मैं भी इस तरह का होता. अब तो जो एक ब्रेक के बाद मैं आपको पटिया पढ़ाती हूँ, आप कैसे हो सकते हैं. ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं. हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम वापस आएंगे. हम कुछ करेंगे आज, पे करेंगे. हम तीन लोग जमा हो गए हैं, आप फिक्र ही ना करें. आज तो शादी करवा के जाएंगे. क्या पता ईद के दूसरे दिन ही हम ऐलान कर देंगे. एक छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए शाने सहूल. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं शाने सहूर, और शाने सहूर में बड़े टर्न्स एंड ट्विस्ट आ गए आज तो ना. मतलब कुछ सोचा कुछ और था, शो होगा अभी कुछ मॉर्निंग शो वाला बनने वाला है. अब हम तीन मिल गए कि इनकी शादी करानी है रमजान में, बाबरकत शादी होगी इंशाल्लाह. अच्छा, अब हम